जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, यूट्यूब के माध्यम से लेके आई हूँ मैं आपके लिए ऑनलाइन टैरो कोर्स। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे सोर्स के सारे कार्ड रिवाइज। आज ये माइनर अरकाना के 20 कार्ड है जिनके नंबर नहीं, सिर्फ नाम होते हैं लिखे। आज मैं आपको ये सारे रिवाइज कराऊंगी ताकि ये इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो दिक्कत ना हो। देखिए, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे एस के कार्ड हैं। फ्रेंड्स, ये कार्ड जो है माइनर अरकाना के चारों एलिमेंट के पहले कार्ड, पहले नंबर के कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल यानी कि अर्थ एलिमेंट, एस ऑफ कप्स यानी कि वाटर एलिमेंट, एस ऑफ वेंट्स फायर एलिमेंट्स, एस ऑफ सोर्ड्स एयर एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, एस का मतलब एक, और एक नंबर के कार्ड है और सारे सूर्य प्लैनेट को शो करते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ मैंने आपको बताया कि एस का नंबर एक है, तो यहाँ ये कार्ड जो है सारे फुल पॉजिटिव है, और इसमें ये बताया जाता है कि अगर किसी रीडिंग में ये कार्ड आ जाते हैं, ये सूर्य के कार्ड है, तो उसको क्लाइंट को ये बोला जाता है कि पास्ट में आपका समय खराब रहा या ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, वो एक अलग चीज़ थी। आपके पास डिवाइन का हाथ वाला कार्ड आया है, आगे जो न्यू जिंदगी का न्यू साइकिल शुरू होगा वो बेटर शुरू होगा। इसमें देखिए, ये अर्थ एलिमेंट के कार्ड होते हैं जो आप जानते हैं, ये स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो ये पेंटिकल के कार्ड है, तो इसमें ये शुरू शो किया गया है कि पर्सन को सामने, क्लाइंट को या जो भी रीडिंग में आया है पर्सन को, उसको एक कहीं से सुनहरा, कहीं से जैसे कहते हैं ना गड़ा हुआ खजाना, या कोई खूब पैसे वाला कोई ऑफर मिलने वाली है, यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ देखिए, यहाँ भी डिवाइन का हाथ है, कप में से पानी छलक रहा है, नीचे पत्तियाँ हैं, कितना सुंदर है, प्लस है। और W लिखा हुआ ये बता रहा है अगर कहीं किसी ने पार्टिसिपेट किया है या कोई टेंडर भरा है, जहाँ खूब पैसा हो, तो वो वहाँ से ज़रूर पास होके निकलेगा। और ये वेंट्स का कार्ड है, फायर का है। वेंट्स और सोर्ट्स में दिक्कत होती है, थोड़ा ध्यान रखिए, सोर्ट्स ऐसी होती है, वेंट्स रेड कलर की होती है, लेकिन ये भी सूखी वेंट्स नहीं है, इसमें ग्रीन लीव्स निकली हुई हैं। और देखिए, नीचे पहाड़ है, ग्रीनरी है, ये भी फुल पॉजिटिव है। यहाँ भी क्लाइंट को यही बोला जाता है कि ये फुल पॉजिटिव है, आपके सारे काम बनेंगे, ग्रीनरी है। और ये पॉजिटिव कार्ड है, भले ही सोर्ट्स साथ में है, सोर्ट्स के ऊपर पूरी ग्रीनरी है, नीचे पत्तियाँ जड़ रही हैं। ये जो पत्तियाँ पीली जड़ रही हैं ना, इसमें जो शो किया गया कि पुराना आपका टाइम निकल गया, अब अच्छा आने वाला है। ये रही हरी पत्तियाँ, नीचे पहाड़ है, और जो भी आएगा सब में देखिए आप, पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है। लंबे समय तक आपके पास जो भी खुशी आएगी चलेगी, चाहे वाटर एलिमेंट रिश्ता बोल लो, चाहे पैसा बोल लो, चाहे कारोबार बोल लो, और चाहे कुछ और बोल लो। अब मैं बात करती हूँ पेज ऑफ कार्ड की। देखिए फ्रेंड्स, ये पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वेंट्स और पेज ऑफ सोर्ड्स, ये चारों कार्ड जो है पेज के हैं। ये 11 नंबर का कार्ड है, यानी कि 2 नंबर का कार्ड मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड यही है कि इसको 100% पॉजिटिव कह सकते हैं, इसको कम पॉजिटिव, ये और कम पॉजिटिव, और ये और कम, बिल्कुल नेगेटिव कोई कार्ड नहीं है। इसमें ये बताया जाता है कि मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने के लिए। 2 नंबर का कार्ड होता है दिल और दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है, पर जो 2 नंबर के लोग होते हैं वो दिल के अच्छे होते हैं। आप देखिए, यहाँ एक पर्सन है,
ये प्यारा सा बच्चा है, हाथ में पेंटिकल पकड़ा हुआ, कैसे बच्चों की तरह, जैसे किसी बच्चे को आप पैसा दे देते हो ना, तो उसको कोई वो नहीं होती, बाजार में ऐसे मुट्ठी में पकड़ के चल चल पड़ता है कि चलो भाई चीज़ लेने जा रहे हो, और बड़ा कोई भी जाएगा वो पॉकेट में पर्स में किसी में लेके जाएगा। और यहाँ जाके थोड़ी सी इसकी एनर्जी फास्ट हुई, तो कप ऑफर करने की सामने वाले को, यानी कि रोमांटिक वे में कप ऑफर करने की चांस में आ, कप ऑफर की एनर्जी में आ गया। यहाँ थोड़ा छोटा है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है। अब ये है पेज ऑफ वैंड्स कारोबार के कार्ड, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ और भी मेच्योर खड़ा है, बड़ा बड़ा लग रहा है। आप देखिए, भले ही नेगेटिविटी इसके कपड़ों में दिखाई गई है, वैसे पॉजिटिव है, पर आसपास के लोगों ने इसके नेगेटिव बना रखे हैं, लेकिन कारोबार करने लग पड़ा है, तो जाहिर है थोड़ी सी और एनर्जी अब प्रूव हुई है। और यहाँ सूट्स के कार्ड में देखिए, ये कैसे तन के खड़ा है, ये भी इमेच्योर, इसमें सिर्फ सलाह दी जाती है इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल करें। फ्रेंड्स आप देखिए, गेटअप देखिए, धीरे धीरे गेटअप, यहाँ बिल्कुल बच्चों जैसा है, यहाँ थोड़ा सा यंग सा लग रहा है, यहाँ और यंग लग रहा है, और यहाँ और यंग लग रहा है, तो मच्योरली चीज़ें हैंडल करने की सलाह दी जाती है आपको इन चारों से। पता, अगर मान लीजिए कोई पूछे कि सामने वाले के लिए मैं रिश्ता अपने बच्चे के लिए, लड़की के लिए देखने जा रहा हूँ, तो कैसा मिलेगा, तो ये चारों चीज़ें, अगर ये कार्ड आएगा तो ये बोलते हैं कि चीज़ों को मच्योरली हैंडल करना है, बिल्कुल बचपन है। और इसमें अगर वो कोई कहे तो कहे, आप कब तो ऑफर करने जा रहे हो, प्रपोज तो करने जा रहे हो, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ये सलाह दी जाती है, घर का बड़ा बुजुर्ग या कोई जान पहचान या कोई दोस्त या गुरु को साथ लेके चले, आपका काम तभी बनेगा, क्यों आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो। यहाँ थोड़ी एनर्जी तेज तेज हुई है, तो यहाँ यही बोला जाता है कि सामने वाले के पास अगर ऑफर लेके जा रहे हो तो सब कुछ है, लेकिन बोलना सामने वाले के पास जाके थोड़ा सोच समझ के बात हैंडल से करना। यहाँ इसकी काफ़ी हद तक एनर्जी फायर एनर्जी का चेंज हो गई है, थोड़ी बढ़ गई है, मच्योर ज़्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ लोगों ने नेगेटिविटी फैला रखी है, तो यहाँ भी नेगेटिविटी हटा के बोला जाता है कि थोड़ा सा मच्योर, क्योंकि काफ़ी देखिए आपने, इसने वॉन्ट्स पकड़ी हुई है, बिल्कुल होल्ड करी हुई है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल तन के खड़ा है, एक बड़ा बड़ा सा भी लग रहा है, यहाँ से भी बड़ा विजन पूरा मच्योर हो गया है, तो यहाँ चीज़ों को यहाँ भी मच्योरली हैंडल करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये वाली एनर्जी से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पहले यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ। चारों कार्ड भी कई बार रीडिंग में आ जाते हैं, लंबी रीडिंग निकाल लो तो, इसलिए बता रही हूँ। ये देखिए, अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि 12 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर जुपिटर का कार्ड है, तो आप समझ गए ये सारे कार्ड जो है जुपिटर के हैं। लेकिन यहाँ आपने क्या देखना है, इन चारों की ये जैसे पेंटिकल का कार्ड है तो अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी बताता है, तो आप देखिए घोड़ा खड़ा है, वाटर एलिमेंट हल्का हल्का चलता बताता है, हल्की सी एनर्जी बढ़ती है, तो एक पैर उठाया, जहाँ फायर एनर्जी का आया तो वहाँ दोनों पैर घोड़े ने उठाए, और देखिए जहाँ सोर्स एनर्जी का आया तो घोड़ा हवा में भाग रहा है, तो ये चीज़ें रीडिंग में आपने ध्यान रखनी है। और वहाँ देखिए, आपने देखा था कि ये देखिए वैंड्स का कार्ड, यहाँ पे भी जब पेज ऑफ वैंड्स आया था, इसके कपड़ों में भी नेगेटिविटी शो करी गई है, और यहाँ पे भी सारा रेड रेड है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे भी नेगेटिविटी शो करी गई है। यहाँ ये बताया गया है, ये जैसे 12 नंबर का कार्ड है, जुपिटर की रेमेडी बताई जाती है, इसमें ये कार्ड सारे पॉजिटिव गिने जाते हैं, ये कम पॉजिटिव गिना जाता है, लेकिन यहाँ सारे नेगेटिविटी, ये घोड़ा काला है, ये भी आसपास के लोगों ने नेगेटिविटी रखी हुई है, ये सब कुछ सही है, लेकिन इसने होल्ड करा हुआ है, हल्का सा कदम उठाया। यहाँ कोई रीडिंग के लिए पूछेगा कि सामने वाले को हम प्रसन्न करते हैं, उसकी करंट फीलिंग क्या है, तो जहाँ अगर ये कार्ड आएगा तो ये बोला जाएगा कि वो पसंद तो करता है, लेकिन उसका अभी कदम बढ़ाने की नज़र नहीं आ रहा,
अगर यहां आएगा तो कहेगा कि सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, और यहां कहेंगे कि जल्दी ही आएंगे आपके पास। तो यहां महीनों सालों की बात है, यहां दिनों की बात है कि और जल्दी आएंगे। फ्रेंड्स, इन चीजों को आपने बहुत गौर से करना है। अब ये देखिए, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। ये देखिए, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और ये क्वीन, यहाँ चारों एलिमेंट की क्वींस है, ये पेंटिकल, ये कप, और ये वैंड्स, और ये सोर्ड्स। ये 13 नंबर का कार्ड है, तो आप जानते हैं 13 नंबर राहु का है। और राहु सब कुछ दे के भी जहाँ थोड़ा सा खराब होता है, तो इंसान का सबसे पहले दिमाग ही खराब होता है, और जब दिमाग खराब होता है तो काफी चीजें खराब हो जाती। ये कार्ड फुल पॉजिटिव है फ्रेंड्स। ये रानी जो है पेंटिकल को देख रही है, फुल पॉजिटिव है, पेंटिकल को देख रही है। इसकी कोई इंटेक्शन नहीं है, नेम है, फेम है, फिर भी उदास है। इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, थोड़ा सा राहु का असर। इसमें राहु की रेमेडी बताई जाती है। यहाँ आके ये रानी ये इमोशनल हो रखी है, दिल की सच्ची और साफ है। कप लेके खड़ी है ऑफर के लिए है, लेकिन क्या इसकी बात नहीं बन रही। यहाँ भी राहु ने नेगेटिविटी कर रखी है। अब यहाँ पे देखिए, ये है वैंड्स की, वैंड्स की एनर्जी फुल होती है। हाथ में वैंड पूरी अथॉरिटी से पकड़ रखी है, पास में बिल्ली है, यहाँ भी शेर है, यहाँ भी शेर है, तो फिर भी अपना राजपाट चला रही है, लेकिन अंदर से दिल इसका दुखी है। क्या है, जब सब कुछ होते भी दिल दुखी है, तो आसपास में नेगेटिविटी, आसपास के लोगों ने मैनिपुलेट करके दिमाग खराब कर रखा है। तो यहाँ ये डरी डरी सी सहमी सहमी से रहती है अंदर से, अपना काम तब भी करती है। यहाँ ये बताया जाता है, जब शेर आपके पास है तो बिल्लियों से क्या डरना। और यहाँ जो एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, ये मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ, पैसे का सुख, प्यार का सुख, राजपाट का सुख भोग के, अब ये लेडीज इसमें आ गई है। ये एक विडो लेडीज है, अब इसने ये सब छोड़ दिया, इसने ज़िंदगी में जितना खाना था अंडाना था खा लिया। अब इसके रूल रेगुलेशन, अच्छा बुरा, धर्म कर्म, वही इसकी लाइफ में रह गया। सोर्स देखिए कितने अच्छे तरीके से होल्ड कर रखी है, एक हाथ आगे, निर्णय डिसीजन लेने के हमेशा तैयार रहती है, डिसीजन पावर बहुत अच्छी है, राजपाट बहुत अच्छे से चला रही है। लेकिन जहाँ ये विडो का कार्ड है, तो आपको जानकर खुशी होगी, जहाँ कोई किसी को बेबी नहीं होता, यहाँ ये कार्ड को बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये कार्ड आ गया तो आप जल्दी ही कंसीव करोगे, लेकिन राहु की रेमेडी करा लो। इन चारों कार्डों में राहु की रेमेडी अधिकतर बोली जाती है। किसी बच्चे, अनाथ बच्चे की स्टडी की जिम्मेवारी ले लो, किसी का कोई अनाथ बच्चा पाल लो, तो आपके काम इतने बढ़ेंगे, इतने बनेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये है फ्रेंड्स लास्ट किंग, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, लाइफ में मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। यहाँ इस राजा ने, ये जो है ये 14 नंबर का कार्ड है, यानी कि बुध प्लेनेट को शो करता है, चारों एलिमेंट के कार्ड है ये। यहाँ दिक्कत आती है तो बुध की रेमेडी करी जाती है। ये कार्ड सारे अगर मैं कहूँ कि फुल पॉजिटिव है, वो नहीं है। यह इस राजे ने सारी दुनिया को जीत रखा है, किले तक जीत लिए है, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी बंदा पड़ा है। कहाँ बंदा पड़ा है, ये नेगेटिविटी से बड़ा बंदा पड़ा है। जो होते हैं ना, जीत तो सब कुछ लिया, हासिल सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या होगा, जो आसपास के लोग हैं ना, वो किसी तरफ दिमाग लगाने ही नहीं देते। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो रानी के पास सब कुछ था फिर भी उदास थी, किस लिए, कि इनका ध्यान इनकी तरफ जाता ही नहीं था। ये इसलिए दिखाई गई है कि इतनी उदास है सब कुछ होते हुए। तो यहाँ इनको कहते हैं कि अपना दिमाग और विवेक चलाओ, बुध की रेमेडी करो। अब आपने बहुत कुछ पा लिया है, थोड़ा टाइम अपने परिवार को भी दो।
और ये है देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, थोड़ा इमोशनल हुआ राजा, ये इतना नेगेटिव नहीं है जितना ये है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अपने आप को, यहाँ भी यही टेंशन है कि सारा ध्यान राजपाट में है लेकिन इनमें नहीं है, ये उदास होके बेचारी एक तरफ बैठी है और ये मुंह उधर करके बैठी है, ये इनका ध्यान इसकी तरफ नहीं है। यहाँ भी यही कहा जाता है कि राजपाट चढ़ाना अपनी जगह है, बुध की रेमेडी करो और रिश्ते खराब हो रखे हैं तो सुधर जाएंगे। अब ये है किंग ऑफ फ्रेंड्स, देखिए पूरी होल्ड से पकड़ रखी है लेकिन राजे के पास चिपकली है, और राजा, ये राजा ऐसा है कि मुझे छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं तो राजा हूँ, कोई बड़ा काम हो तभी तो है, ये भूल गए कि राजा तो आपको प्रजा नहीं बनाया, और ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना यही इतने नेगेटिव बन बन के सिर पे चढ़ गए हैं, अब पूरी नेगेटिविटी इनके अंदर भर रहे हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी राज को तो जो राजा होता है उसको तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। आपको पता है राजा राम भी रात को उठ के अपनी प्रजा को देखने जाते थे, तो इनको नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए बोला जाता है, बुध की रेमेडी के लिए बोला जाता है, जब बुध की रेमेडी होती है तो बुद्धि और विवेक काम करता है तो इनके काम सारे ठीक हो जाते हैं। यहाँ देखिए इनसे अच्छी ये राज रानी चला रही है, और यहाँ थोड़ा ये राजा ही कमजोर है, और पर दोनों के पास नेगेटिविटी है, यहाँ बिल्ली दिखाई गई है और यहाँ ये देखिए। अब यहाँ देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, ये एक विदुर है, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी मैं यही कहूंगी कि इन सब ने ये सब जिंदगी जी ली है, अब यहाँ आके ये पर्सन ऐसे हो गए हैं कि जिंदगी का खा लिया पी लिया, ऐश मौज मस्ती सब कर ले, अब रूल रेगुलेशन राज पाठ प्रजा, इसलिए ये ग्रीनरी दिखाई गई है, अच्छे से होल्ड करी हुई है तलवार और अच्छे से पकड़ रखी है, पूरी अथॉरिटी हाथों में है, निर्णय लेने में सही है, इन लोगों ने जिंदगी अपनी जी ली है, ये विडो है और ये विदुर है, ऐसे दिखाए गए हैं। यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ भी यही कहते हैं कि बुध की रेमेडी करो, ये प्रसन्नों, ये जो दो प्रसन्न है इनको सिर्फ अपने राजपाट से मतलब है, जिंदगी के और खुश आरामों से कोई मतलब नहीं है, ये पूरे स्ट्रोंग बन चुके हैं, कभी था कि ये ऐसे इमोशनल थे, दुखी थे, दुनिया से गिरे हुए थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, एक वक्त आ गया, एक एज निकल गई, एक गैप आ गया, लाइफ में एक्सपीरियंस इतना हो गया, ये ऐसे हो गए। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 20 कार्ड जिनका सिर्फ नाम नाम होता है, नंबर नहीं होता, अच्छे से बताए, ये जैसे 14 नंबर का कार्ड है, बुध की रेमेडी की जाती है किंग वाले में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, साथ में दबाइए बेल आइकन, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक की क्लास यहीं तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और गॉड ब्लेस यू।